हमेशा हेल्दी बने रहने के लिए रात्रि को पानी किसी लोटे या गिलास में सुबह उठकर पीने के लिए रख दें। उसे पीकर बर्तन को उल्टा रख दें तथा दिन में भी पानी पीने के बाद बर्तन को उल्टा रखने से यकृत संबंधित परेशानियां नहीं होती तथा व्यक्ति सदैव स्वस्थ बना रहता है। साथ ही आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे टोटके जिन्हें करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको बता दें, हृदय विकार रक्तचाप के लिए एक मुखी या 16 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। इनके ना मिलने पर 11 मुखी, 7 मुखी अथवा 5 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। इक्षित रुद्राक्ष को लेकर श्रावण मास में किसी प्रदोष व्रत के दिन अथवा सोमवार के दिन गंगा जल से स्नान कराकर शिवजी पर चढ़ाएं, फिर संभव हो तो रुद्राभिषेक करें या शिवजी पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध से अभिषेक करें। इस प्रकार अभिमंत्रित रुद्राक्ष को काले डोरे में डालकर गले में पहने। जिन लोगों को 1-2 बार दिल का दौरा पहले भी पड़ चुका हो, वो एक बार 5 मुखी रुद्राक्ष, 1 लाल रंग का हकीक, 7 साबुत डंठल सहित लाल मिर्ची को आधा गज लाल कपड़े में रख कर व्यक्ति के ऊपर से 11 बार उतार लें। इसे किसी नदी में या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आपको बता दें, घर में नित्य घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय लौ पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हो या दीपक के मध्य में फूलदार बाती लगी होनी चाहिए। रात्रि के समय शयन कक्ष में कपूर जलाने से बीमारियां दुस्वप्न नहीं आते, पितृदोष का नाश होता है एवं घर में शांति बनी रहती है। आपको बता दें, पूर्णिमा के दिन चांदनी में खीर बनाएं। ठंडी होने पर चंद्रमा और अपने पितरों को भोग लगाएं, कुछ खीर काले कुत्ते को दे दें। वर्ष भर पूर्णिमा पर ऐसा करते रहने से ग्रह कलेश, बीमारी तथा व्यापार हानि से मुक्ति मिलती है। रोग मुक्ति के लिए प्रतिदिन अपने भोजन का 1/4 हिस्सा गाय को तथा 1/4 हिस्सा कुत्ते को खिलाएं। पत्नी बीमार हो तो गोदान करें। जिस घर में स्त्री वर्ण को नियंत्रण स्वास्थ्य की पीड़ाएं रहती हों, उस घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी श्रद्धा पूर्वक देखभाल करने से रोग पीड़ाएं समाप्त होती हैं। सदैव पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर रख कर सोना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर सिर रख कर सोने वाले व्यक्ति में चुंबकीय बल रेखाएं पैर से सिर की ओर जाती हैं, जो अधिक से अधिक रक्त खींच कर सिर की ओर लाएंगी, जिससे व्यक्ति विभिन्न रोगों से मुक्त रहता है और अच्छे निद्रा प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष को प्रातः 12 बजे से पहले जल में थोड़ा दूध मिलाकर सींचें और शाम को तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। ऐसा किसी भी वार से शुरू करके 7 दिन तक करें। बीमार व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट। ओम